YouTube Shorts, TikTok Videos और Instagram Reels आज के दौर में वायरल होने की सबसे बड़ी ट्रिक है। और जब से TikTok ने मोनेटाइजेशन स्टार्ट की है तो आपके अर्निंग के चांसेस और भी इंक्रीज हो गए हैं और आने वाले वक्त में TikTok एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। आपको फूड वीडियोस पे व्यूज और लोगों के इंटरेस्ट का आइडिया तो होगा ही, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी इन्हीं फूड वीडियोस पे वायरल होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अलग प्रेजेंट करना होगा। इस एग्जांपल वीडियो से आपको समझाता हूं। Did you know Chinese food has some mind-blowing secrets? Here are three crazy facts that will leave you hungry for more. First, fortune cookies, not Chinese. These tasty treats were actually invented in California in the early 20th century. Chinese restaurants popularized them, but you'll hardly find them in China. Second, ever heard of century eggs? These eggs are preserved for weeks or months in a mixture of clay, ash, and salt, turning the yolk dark green or black. They might look odd, but they have a rich, savory flavor that many people love. And finally, the world's first recorded noodles were found in China and are over 4,000 years old. These ancient noodles were made from millet grain, and their discovery proves China has been noodle crazy for millennia. So next time you dive into your favorite Chinese dish, remember these crazy facts. Who knew food could be this fascinating? आपने food making और food presentation videos तो हर country की देखी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल new niche है जिसमें आपने किसी भी country के अजीबोगरीब जो food के related facts हैं उसको explain करना है और ये बहुत ही आसान है। तो आज की इस video में मैं आपको ये वाली videos बनाना सिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल beginner हैं तो भी आपने घबराना नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा हर एक चीज, कहां से आपने स्क्रिप्ट लेनी है, कहां पे आपने इमेजेस लेनी है, क्या करना है, कैसे एडिट करना है, कैप्शन कैसी लगानी है, क्या करना है, हर चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझाऊंगा आपको। YouTube TikTok ऑटोमेशन सीरीज की एक और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आप विदाउट फेस विदाउट वॉइस अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी प्रीमियम कॉन्टेंट पे। प्रीमियम कॉन्टेंट क्या है और मैं प्रीमियम कॉन्टेंट को क्यों प्रमोट करता हूँ, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप एक दफा जरूर ये वीडियो देखें। तो सबसे पहले इस वीडियो की स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं, तो वो मैं यूज करूंगा चैट जीपीटी। मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखी हुई है, आप ये प्रॉम्प्ट देख लें, उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको मैंने कहा है कि मुझे एक 60 सेकंड की स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें क्रेजी फैक्ट्स बताने हैं चाइनीज फूड के बारे में। आप किसी भी कंट्री के फूड के बारे में लिख सकते हैं। इसने मुझे ये स्क्रिप्ट दे दी है। अब इसके आगे मैंने कहा है कि मुझे प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दो इमेजेस के लिए, ताकि मैं लियोनार्डो एआई को यूज करके इमेजेस जनरेट कर सकूं। तो इसने मुझे प्रॉम्प्ट तो दी ही दी, साथ इसने मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी। तो मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। उसके बाद मैं आया हूँ सीधा लियोनार्डो एआई पे। आने के बाद गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद आपने सिंपल इमेज जनरेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने ये प्रॉम्प्ट ले लेनी है या डिस्क्रिप्शन ले लेनी है, दोनों तकरीबन एक ही चीज है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अगर डिस्क्रिप्शन दे तो आप डिस्क्रिप्शन ही लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पे आपने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देनी है, जनरेट पे क्लिक करना है। ये आपको 150 क्रेडिट्स देता है रोज के। दीज क्रेडिट्स आर इनफ फॉर दैट कि आप 2 से 3 वीडियोस जनरेट कर सकते हैं उससे। तो मैं ऑलरेडी काफी सारी इमेजेस यहाँ पे जनरेट कर चुका हूँ। काफी सारी इमेजेस बहुत कमाल की भी थी, और अगर किसी की मुझे मजीद जरूरत थी तो उसके लिए मैंने यूज किया है कॉपीलूट। कॉपीलूट का इमेज जनरेटर भी कमाल का है, वन ऑफ माई बेस्ट कॉपीलूट इमेज जनरेटर। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि स्टाइलर है, उसके बाद रन वे भी जनरेट कर देता है। ये सारे वो मैं बता रहा हूँ जो फ्री में है। यहाँ पे आपने सिंपल कॉपीलूट सर्च कर लेना है और कॉपीलूट इमेज जनरेटर पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पहली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है जो माइक्रोसॉफ्ट की है। इस पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने सिंपल अकाउंट बना लेना है, अगर बना हुआ है तो दैट्स फाइन। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये मेरी इमेजेस जो मैंने जनरेट कराई है वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इन्ही प्रॉम्प्ट्स को मैंने यूज किया, ये जितनी भी प्रॉम्प्ट्स है इनको मैंने थोड़ा थोड़ा, अगर मुझे जरूरत पड़ी है कहीं पे, तो सिर्फ मामूली सी चेंजिंग्स मैंने की है, और ये वाली सारी इमेजेस मैंने यहां से ही जनरेट की है। उसके बाद लियोनार्डो की इमेजेस देख लें, ये सारी इमेजेस भी मैंने इसी प्रॉम्प्ट से जनरेट की हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। कुछ यहाँ पे ज्यादा अच्छी आई हैं और कुछ कॉपीलूट में ज्यादा अच्छी आई हैं। उसके बाद अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आपको जो इमेज का साइज नजर आएगा वो एक बॉक्स साइज नजर आएगा, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो है या टिकटॉक की वीडियो है उसका साइज 9:16 है, जो कि एक वर्टिकल बनता है। तो उसके लिए मैं इस इमेज को सेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली कैनवा पे आ जाऊंगा। कैनवा पे आके मैं यूट्यूब शॉर्ट जो है वो सर्च करके यहाँ पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद अपलोड फाइल में आके अपनी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर लूंगा। इनमें से अब आपने एक इमेज ले लेनी है जिसका साइज आपने कंप्लीट करना है। लाइक मैं ये वाली पिक्चर ही ले लेता हूँ।
इसको मैंने यहाँ तक एडजस्ट कर दिया जितना हो सकता था। बाकी के लिए अब मैं एडिट इमेज में जाऊंगा, मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये कॉर्नर्स पकड़ के जहां तक मुझे इसको मैजिकली एक्सपैंड करना है वहां तक इन कॉर्नर्स को लेके आऊंगा। लेके आने के बाद मैजिक एक्सपैंड पे मैं सिंबल क्लिक कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कितने कमाल के ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं वो चूज इजिली कर सकता हूँ इसमें से। मैं ये वाला चूज करता हूँ, डन पे मैंने क्लिक करना है और मेरी इमेज रेडी है। अब इसको मैंने डाउनलोड ऐसे करना है कि शेयर के ऑप्शन पे आना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से मैंने जेपीजी सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप इसका साइज बढ़ा दे, इसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद मैंने इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसने मेरे डाउनलोड सेक्शन में आ जाना है। मेरी इमेजेस रेडी है, अब मुझे इस तमाम स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर जनरेट करना है जो कि AI जनरेटेड लगे ना और वो ह्यूमन जनरेटेड फील हो। तो उसके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त सा टूल है विच इज द फ्लिकी AI। वैसे तो 11 लैब्स को भी बहुत मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लिकी की तरफ से मुझे पेड अकाउंट गिफ्ट मिला हुआ है तो मैं ज्यादातर फ्लिकी ही यूज करता हूँ और ये ज्यादा आसान है। आपने न्यू फाइल ले लेनी है, यहाँ पे इस फाइल का आपने नाम देना है, जैसे मैं फूड लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे आपने इसका कंट्री सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने आइडिया देना है कि मैं स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ और आपने सबमिट कर देना है। अब आपने यहाँ पे आगे अपना वॉइस करेक्टर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से आपने डिफरेंट वॉइस करेक्टर्स को ट्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे गेविन सिलेक्ट करता हूँ और आपने अप्लाई ऑल सीन्स पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं वो सारी की सारी स्क्रिप्ट कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। इसने मुझे ये 5 पैराग्राफ्स के 5 ही सीन्स अलहदा से जनरेट करके दे दिए हैं। अब सिंपल मेरी वॉइसेस रेडी हैं, मैं चाहूँ तो मैं सुन सकता हूँ, इनको प्रीव्यू कर सकता हूँ और उसके अलावा अगर ये प्रीव्यू मेरा क्लियर है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आऊंगा। आने के बाद स्टार्ट एक्सपोर्ट करूंगा, स्टार्ट करूंगा, मेरी यहाँ पे 56 सेकंड की ऑडियो रेडी है, मैं डाउनलोड MP3 में डाउनलोड कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपने सिंपली कैपकट पे आ जाना है और सारी की सारी वॉइस ओवर और इमेजेस यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेनी है। सबसे पहले आपने वॉइस ओवर यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब इस वॉइस ओवर के सेंटर में आपको कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं, हमने ये गैप्स पहले खत्म कर लेने हैं, तो मैं इन गैप्स को खत्म कर लेता हूँ। अब आपने हर वॉइस ओवर के हिसाब से इसकी इमेजेस पेस्ट कर देनी है इसके ऊपर। यहाँ तक तकरीबन सारी की सारी इमेजेस वॉइस ओवर के हिसाब से मैं ऐड कर चुका हूँ। अब जरूरत है इन तमाम इमेजेस को ट्रांजिशन देने की या किसी तरह की एनिमेशन देने की, तो मैं सिंपली एक एक करके सारी इमेजेस को क्लिक करूंगा, इन पे एनिमेशन ऐड करूंगा। एनिमेशन कॉम्बोज में आ जाना है, इनमें से मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो डिफरेंट पे डिफरेंट अप्लाई करूंगा। तकरीबन सब पे मैंने एनिमेशन अप्लाई कर दी है, अब सिर्फ एक चीज की कमी यहाँ पे महसूस हो रही है विच इज द ऑटो कैप्शन। तो मैं अब इस पे ऑटो कैप्शन अप्लाई करूंगा। आपने सिंपल टेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे आपको ऑटो कैप्शन का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने इंग्लिश सेलेक्ट करके जनरेट पे क्लिक कर देना है। आपकी कैप्शन रेडी है, अब आप सिंपली इन कैप्शन को क्लिक करके इन टेम्पलेट्स में आएंगे तो आपको डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे। मैं ये वाला ट्राई करता हूँ एक दफा, ये वाला कैप्शन मैंने ट्राई किया है। अब आप आके कैप्शन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर चेंज करना है, जो फॉन्ट चेंज करना है, इजीली यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसका कलर यहाँ पे येलो करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली येलो भी कर सकता हूँ, इट्स अपॉन यू, आप जो भी करना चाहें। उसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट्स के ऑप्शन भी हैं, आप फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी, जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद सिंपली आपने अप्लाई ऑल पे अगर नहीं चेक तो चेक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी कैप्शन को एक दफा चेक कर लेना है, करने के बाद अगर कोई कैप्शंस कम है या कोई भी जगह पे कोई वर्ड कम है तो आपने उसको मैन्युअली यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। लाइक यहाँ पे मुझे कुछ कम लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी भी कर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो कि आप किस तरह से किसी भी कंट्री के फूड के रिलेटेड जो क्रेजीएस्ट फैक्ट्स हैं उस पर काम कर सकते हैं। इस पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग हो गए, ना तो आपके लिए आइडिया लेना मुश्किल है ना तो आपके
आपके लिए कंटेंट जनरेट करना मुश्किल है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं, सिर्फ अब आपने काम स्टार्ट करना है, देर आपकी है, आपने काम स्टार्ट करना है। यकीन करें कि प्रीमियम कंटेंट को मैं प्रेफर करता हूँ, इस वजह से करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की ऑडियंस को कॉन्टेंट दिखा रहे हैं तो आप 2,000-5,000 व्यूज पे जाके $1 कमा रहे हैं, और यहाँ पे आप अगर 1,000 व्यूज ले रहे हैं तो आप $15-20 तक भी अर्न कर सकते हैं। ये है इसकी वर्थ जो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप प्रीमियम कंटेंट पे काम करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी तरह की कोई सजेशन है, किसी तरह के किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी तरह का कॉन्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ जो यकीनन आप मिस नहीं करना चाहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको वीडियोस ऑलरेडी भी मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऑन द वे भी हैं। अगर आप वायरल एनाइम वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं कि आप वायरल एनाइम वीडियोस बना के यूट्यूब इंस्टाग्राम और टिकटॉक से अर्न कर सके, और किस तरह से बनाना है, क्या स्ट्रेटेजी है, तमाम चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। जो स्क्रीन पे आपको वीडियो शो हो रही है, इस पे एक दफा क्लिक करके जरूर देखें।